अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां मोबाइल चोरी करने वाले एक चोर को बहोड़ापुर थाना पुलिस ने लक्ष्मण तलैया हनुमान घाटी से पकड़ा है। पकड़े गए चोर से 2 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनमें एक आईफोन भी है। पुलिस ने पकड़े गए चोर से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों का मानना है कि उससे पूछताछ में कुछ अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। उसके पास से सभी महंगे ब्रांड के मोबाइल मिले हैं। पुलिस मोबाइल धारकों के बारे में भी पता लगा रही है। बहोड़ापुर थाना प्रभारी डॉक्टर संतोष यादव ने बताया कि त्योहार और वीवीआईपी मूवमेंट होने के कारण पुराने वारंटियों की तलाश में पुलिस थाने की टीम इलाके में रवाना की गई थी। जब पुलिस टीम लक्ष्मण तलैया स्थित हनुमान घाटी पहुंची तो पुलिस को देखते ही एक युवक भागने लगा। युवक को भागते देख कर शंका हुई। पुलिस ने भाग रहे संदेही का पीछा कर पकड़ा और उसे थाने लेकर आए। पकड़े गए युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुल्तान पुत्र कल्लू बाथम निवासी लक्ष्मण तलैया बताया। पुलिस ने भागने का कारण पूछा तो उसने पुलिस को देखकर डरना बताया। जब पुलिस ने उसका रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि वह सातिर चोर है और बहोड़ापुर थाने में ही उसके खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं। इसका पता चलते ही पूछताछ की तो उसने बताया कि 2 दिन पहले उसने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर 2 लाख रुपए के मोबाइल चोरी किए थे। इसका पता चलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसकी निशानदेही पर उसके घर से 2 लाख रुपए कीमत के मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि सुल्तान ने यह मोबाइल कहां से चोरी किए हैं। उसके बाद ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल मिले हैं, उसके पास आईफोन भी मिला है। पुलिस अफसरों का मानना है कि पकड़ा गया चोर काफी सातिर है और कई बार पकड़ा जा चुका है। उससे पूछताछ के बाद कुछ अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है। इसके लिए पुलिस टीम उससे पूछताछ में जुटी है।